अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल की प्राइस कम कैसे हो गई हैं और कहां तक पहुंची हैं, प्राइस क्या हिसाब है। इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो गाइस, मोबाइल्स की प्राइस कम हो चुकी हैं और ये कुछ टाइम तक रहने वाली हैं। इसका रीज़न क्या है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगा। अभी की सिचुएशन में देखा जाए तो हमें IMF से हमें कर्ज़ा मिल चुका है। कर्ज़ा मिलने की वजह से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा चीज़ें नीचे आई हैं, रेट नीचे आए हैं। डॉलर्स को देखा जाए तो डॉलर्स भी बहुत ज़्यादा नीचे आया है और डॉलर नीचे आने की वजह से मोबाइल की प्राइस में भी थोड़ा कमी पेश हुई है और ये टाइम कुछ मतलब टाइम तक ये रहेंगी। प्राइस थोड़ी कम हुई है लेकिन नेक्स्ट जो आने वाला है मतलब नेक्स्ट 5-6 महीने तक फिर प्राइसें ऊपर जा सकती हैं। अभी के सिचुएशन में ये हुआ है कि जैसे ही हमें IMF से कर्ज़ा मिला है, कर्ज़ा मिलने की वजह से एक तो डॉलर यूरो और पाउंड्स वगैरह की वैल्यूज़ को देखा जाए तो वो उनकी मार्केट बहुत नीचे डाउन हुई है IMF से कर्ज़ा मिलने की वजह से। तो कर्ज़ा मिलने की वजह से डॉलर्स नीचे आया, डॉलर नीचे आने की वजह से हमारे मोबाइल्स की प्राइस और दूसरी जितनी भी प्राइसें हैं उनमें थोड़ा सा कमी महसूस हुई है। अब मोबाइल फ़ोन्स के प्राइस की बात की जाए तो उनमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, उनकी प्राइसें थोड़ी कम हुई हैं। डॉलर जैसे ही नीचे आते हैं, अब मेन चीज़ है फ़ोन्स जितने भी हैं वो डॉलर्स की में बाय होते हैं, तो डॉलर्स ऊपर जाएगा तो प्राइस फ़ोनों की इंक्रीज़ हो जाएगी, डॉलर नीचे आएगा प्राइस कम हो जाएगी। तो यही हिसाब है। अब डॉलर नीचे आया, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आईफोन है ना, आईफोन बाहर से आता है तो बाहर से आने की वजह से ये डॉलर्स में हमने इसकी पेमेंट करनी पड़ती है। कोई नया बंदा डॉलर्स में आईफोन ख़रीदता है तो डॉलर्स की प्राइस नीचे आई है, डॉलर्स की प्राइस नीचे आने की वजह से आईफोन की प्राइस कम हो गई है क्योंकि ये बाहर से मंगवाना था तो डॉलर हमें थोड़ा सस्ता हुआ है तो हमें डॉलर थोड़ा सस्ता और आईफोन थोड़ा सस्ता मिला है। लेकिन जैसे ही ये प्राइस ऊपर जाएगी फिर हमें ये महंगा मिल सकते हैं, तो डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे होती है। लेकिन ये IMF के कर्ज़े की वजह से यूरो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, डॉलर भी बहुत ज़्यादा नीचे आया है, उसकी वजह से ये प्राइस फ़ोन्स की डिक्रीज़ हुई हैं। और अभी आप लोग अगर बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं फ़ोन्स, क्योंकि अभी की सिचुएशन में ये प्राइसें नीचे आई हैं। लेकिन इसका कुछ आइडिया नहीं है कब तक प्राइस नीचे रह सकती हैं क्योंकि दिन ब दिन पाकिस्तान डाउन पे डाउन होता जा रहा है। हमने तो कर्ज़ा तो लिया है लेकिन ये कर्ज़ा हमने IMF को वापस भी करना है, तो नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में प्राइसें बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। अभी की सिचुएशन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन हुआ है, इसका कुछ आइडिया नहीं कब तक रह सकते हैं, 1 महीने तक रिलैक्सेशन लेगा या 2 महीने तक, अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही मिली है कि डॉलर्स की प्राइस नीचे आने की वजह से बाकी एशिया में भी प्राइसें नीचे आई हैं, बाकी हर चीज़ की प्राइस नीचे आई हैं और फ़ोन्स की प्राइस भी कम हो चुकी है। अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है कितनी कम हुई है, डिफरेंट मोबाइल्स के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट प्राइस होती हैं, लेकिन डॉलर्स की वजह से थोड़ी प्राइस में रिलैक्सेशन हो चुकी है, मोबाइल फ़ोन्स की प्राइस थोड़ी डिक्रीज़ हुई है। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं वो लब बाय कर लें क्योंकि अभी थोड़ा मौका है, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में प्राइस फिर ऊपर जा सकती हैं क्योंकि डॉलर नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जा सकता है। तो इसका कुछ आइडिया नहीं कब तक ऊपर जाएगा, लेकिन अभी फ़ायदा है। अगर आप अभी बाय करना चाहते हैं कोई भी फ़ोन तो बाय करें क्योंकि अभी आपको थोड़ा मुनासिब प्राइस में मिल जाएगा फ़ोन। इस वीडियो में यही अपडेट्स देनी थी कि IMF के कर्ज़े की वजह से पाकिस्तान को थोड़ा फ़ायदा हुआ है, जिनकी वजह से डॉलर्स नीचे आए हैं, डॉलर नीचे आने की वजह से मोबाइल फ़ोन्स की प्राइसें कम हुई हैं। इस वीडियो में यही अपडेट्स देने थे मोबाइल फ़ोन्स की प्राइस कैसे कम हुई हैं, उसको गाइस आपको आइडिया हो गया होगा। इस वीडियो को यही जान करते हैं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करने मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।